अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो हम जा रहे हैं गाँव, तो गाँव तो हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। वॉइस ओवर करने के लिए हमें बिल्कुल वक्त नहीं था, हम गाँव शादी में आए हैं तो बिल्कुल भी वक्त नहीं था। अभी हमें वक्त मिला तो हम वीडियो में वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये गाँव की तैयारी हमारी हो चुकी थी। थोड़ा बहुत इस तरह से शॉपिंग की थी हमने, इसमें हमारी फ्रेंड का भी कुछ सामान है, हमारा भी है, तो थोड़ा बहुत इस तरह से हमने शूट करके ले लिया था। टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था लेकिन थोड़ा सा शूट कर लिया था। ये हमारा आने की तैयारी थी वहाँ से, तो कुछ इस तरह से हमारी शॉपिंग हुई थी। तो अब्बा अम्मे के भाई लोग के लिए कुछ थोड़ा बहुत लेकर आए थे, जो कुछ भी खाने पीने का सामान ही रखा हुआ है आप देख सकते हो। और इसमें हमारी बड़ी बहन का भी सामान है, पैसा उन्होंने ही दिया था लेकिन हमने लेकर आए थे। और इतने हमारी बड़ी बहन, मतलब हमारी फ्रेंड है बड़ी बहन के ऊपर, मतलब उनसे भी ज़्यादा बोले तो उनसे भी ज़्यादा, इतने हमारे अच्छे है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सब इस तरह से हमने शॉपिंग की थी। ज़्यादा कुछ नहीं था, खाने पीने का ही सामान है। तो ये यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस रखा हुआ है, चकली है, पेर है, चॉकलेट वगैरह है, पराठे है, और ये समोसा पट्टी है, रोल की पट्टी है। और यहाँ पर ये हमारे कपड़े रखे हुए हैं, थोड़े बहुत और भी कपड़े हैं लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत इस तरह से रखे हुए, पैकिंग करना था तो इस तरह से बाहर निकाल कर रखा हुआ है कबाट के अंदर से। ये चप्पलें वगैरह सब कुछ, मेकअप का सामान, यहाँ पर बंगड़ी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, थोड़ा बहुत ही है, पूरा नहीं है। और ये हमारी किट्टू की फैमिली है, तो उसमें से एक बच्चा यहाँ पर बैठा था, इसका नाम हमने लैला रखा हुआ है, तो हमारी लैला है। तो ये देख लीजिए, हम हो चुके हैं रवाना गाँव के लिए। तो देख सकते हो आप, ये हमारे मुंबई का नज़ारा है। और वॉइस ओवर कर रहे हैं तो भी आपको पीछे से बच्चे लोग की आवाज़ तो आती रहेगी, इतना चिल्ला पुकार यहाँ पर है फ्रेंड, तो उसको इग्नोर कीजिए और वीडियो पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। कीजिए आप, यहाँ पर मेरे देवर की बेटी, यहाँ पर हमारी बेटी हस्बैंड, और सामने बेटा है, और ये इसके अंदर हमारे किट्टू की फैमिली है, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू यहाँ गाँव में देने गए थे तो हमने लेकर आए थे। बहुत धूप थी, बहुत परेशान हो चुके थे हमारे किट्टू के बच्चे चुन्नू मुन्नू, फिर उनको बहुत पानी हमने पिलाए, बहुत ज़्यादा पानी उनको पिलाना पड़ा, बहुत ज़्यादा धूप थी क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे, लेकिन थोड़ी धूप तो हो ही जाती है ना फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोग भी परेशान हो चुके थे और ये हमारे कैट लोग भी परेशान हो चुके थे। ये देख सकते हो हमारा बेटा लेकर बैठा हुआ है, हस्बैंड गाड़ी चला रहे, हमारी बेटी और हमारे देवर की बेटी, और हम शूट कर रहे थे। ये मुंबई से बाहर निकल रहे थे, वहाँ का ये है, थोड़ा बहुत लिया था हमने, शूट कर लिया था, देख सकते हो आप। तो हमें बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स आप लोगों के साथ हमारे वीडियो शेयर करने के लिए। हर बार हम गांव जाते हैं तो आपके साथ वीडियो शेयर होते ही रहते हैं फ्रेंड्स, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे डेली के ब्लॉग तो हम नहीं अपलोड कर पाते क्योंकि बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ अगर रही तो बहुत जल्द हम डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे ब्लॉग, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है क्योंकि हमको अकेले को ही सब करना पड़ता है, इसके लिए ज़्यादातर नहीं हो पाता है। और यहाँ पर आने के बाद सबको मिलना वगैरह रहता है, शादी में आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं वक्त मिलता है फ्रेंड्स, फिर भी हम जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत वक्त निकाल ही लेते हैं फ्रेंड्स वीडियो के लिए और अपलोड करते हैं। इसके लिए हम गांव तो पहुँच चुके हैं लेकिन वीडियो तो आपको बाद में मिल रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इतनी ट्रैफिक थी, आप देख लीजिए इतनी ट्रैफिक आप देख सकते हो, आपको नज़र आ ही रहा होगा फ्रेंड्स। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे, देख सकते हो आप। और यहाँ पर बंदर वगैरह बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत गाड़ी तो चल रही थी लेकिन हमने थोड़ा बहुत वो भी शूट कर लिया था, आप ध्यान से देखिएगा आपको दिख जाएंगे। तो ये देख लीजिए, इतना रोड यहाँ पर पैक था, इतना जाम था कि पूछो मत। तो यहाँ पर हम रुके थे चाय पीने के लिए, ठंडा ठंडा पानी पिए, चाय पिए, थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स किए, फिर हम लोग निकले। तो यहाँ पर आपको दो गाड़ी नज़र आ रही होगी फ्रेंड्स, एक गाड़ी में हमारे जेठ जिठानी और हमारी चाची की बेटी
और मतलब फूफू का बेटा, दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में हमारे यहाँ पर ज़्यादातर दिया जाता है, तो उसको भी अपने फूफू के यहाँ पर दिया हुआ है, हमें भी अपने फूफू के यहाँ पर ही दिया हुआ है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ और हमारी देवरानी और जेठ और जिठानी वो वाली गाड़ी में थे, और हमारी फैमिली वो दूसरी गाड़ी में, और हमारी देवर की लड़की, बस दो गाड़ी में हम लोग इतने ही थे। तो हम शादी के लिए गाँव आ रहे थे, और ये देख लीजिए गन्ने का जूस पीने के लिए हम रुक चुके थे। तो ये देख लीजिए बैल है ना, तो ये ऐसे गोल गोल घूमता है, तो यहाँ से गन्ने का जूस ये भाई निकालते हैं, देख सकते हो आप इस तरह से गन्ने डालकर इसका जूस निकलता है। इस तरह से ये गोल गोल घूमता है जानवर, आप देख सकते हो माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। आप देख लीजिए जानवर को भी कितनी अकल होती है, वो गोल गोल घूमते ही रहता है जब तक मतलब वो रस निकलता नहीं है गन्ने का तब तक। फिर गन्ने का जूस वगैरह पिया, फिर हम लोग निकल चुके थे वहाँ से। बहुत अच्छा लग रहा था रास्ते में इस तरह से थोड़ा थोड़ा मतलब झाड़ वगैरह के पास रुकना, ठंडा ठंडा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत इंजॉय करते करते हम लोग आए हंसी मजाक करते हुए। आप देख सकते हो ये आगे हमारी जेठ की गाड़ी है और पीछे हमारी, और ये हमारे चुन्नू मुन्नू, आप देख सकते हो इनको भी हम लोग थोड़ा बहुत इंजॉय करा रहे थे, क्योंकि ये लोग भी बहुत डर रहे थे, इनको भी पानी वगैरह पिलाना ही था हमको, इतने डर रहे थे ये लोग भी। तो ये गांव में देना था किट्टू हमारी, तीन तीन महीने में चुन्नू मुन्नू को जन्म देती है, तो हम लोग जब भी गाँव आते हैं तो यहाँ पर जो भी मतलब अच्छे से पालते हैं, देख रेख करते हैं अच्छे से, तो हम उन्हीं को देते हैं माशाल्लाह। बहुत मतलब अच्छे से हमारे रिश्तेदार के यहाँ पर हमने दिए, तो बहुत अच्छे से वो लोग देख रेख करते हैं, अच्छे से पालते हैं, तो उन्हीं को हमने दिया है माशाल्लाह। मेरे सभी चुन्नू मुन्नू किट्टू की फैमिली बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आगे आपको वीडियो में देखने मिलेगा, थोड़ा बहुत हम डाल देंगे आगे के वीडियो में। ये वीडियो में तो हमारे यही चुन्नू मुन्नू दिखेंगे। और यहाँ पर हमने वड़ा पाव खाया था सब लोग ने, हमारी जिठानी ने लिया था गरम गरम वड़ा पाव यहाँ पर। और ये देख लीजिए ये HP गैस की यहाँ पर कंपनी थी, ये देख सकते हो बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो वो भी थोड़ा सा हमने शूट कर लिया है चलते चलते आप लोगों के लिए, कि आप लोग देख लीजिए माशाल्लाह बहुत ही बड़ी मतलब यहाँ पर बड़ी सी कंपनी, गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी खड़ी भी थी देख सकते हो आप। और ये हमारे चुन्नू मुन्नू, इनको इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा पिलाना ही था हमें, इतना इन लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, देख सकते हो आप। तीनों को भी हमने पानी पिलाया, एक बोतल पानी इन्होंने मुंबई से गांव तक आने तक ख़त्म कर चुके थे तीनों ने भी। खाने के लिए उनको लेकर आए थे हमने मच्छी वो मिली, लेकिन वो कुछ भी नहीं ये लोग ने खाया, सिर्फ पानी पीते थे, कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, देख सकते हो आप किस तरह से ये लोग पानी पी रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत हो चुके थे इन लोग, बहुत अच्छा लग रहा था इन लोग को भी, तो ये भी चले गए मतलब हमारी बहन ने दे दिए उनके रिश्तेदार में। और ये है हमारा, इसका नाम हमने गज्जू रखा हुआ है, तो हमारी बहन ने रखा इसको, ये दो दे दिए, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह हमारे चुन्नू मुन्नू। एक का नाम कुकी है, एक का नाम हमने सरोज रखा है, और एक का नाम गज्जू है, ये तीनों है आप देख सकते हो माशाल्लाह। तो पानी पीने के बाद ये लोग शांत हो जाते थे, बहुत अच्छे से रिलैक्स करते थे, बहुत अच्छे से बैठते थे आप देख सकते हो, ये देख लीजिए। और तब तक पानी नहीं पिलाएंगे तब तक वो इतना मतलब कैसे कैसे कर रहे थे, आप लोगों ने देखा भी होगा वो ब्लैक वाला कैसे कर रहा था। तो ये हमारे यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं गली के अंदर, ये देख सकते हो ये हमारी गली है, यहाँ पर रहते हैं अब्बा अम्मी भाई लोग माशाल्लाह, देख सकते हो आप सभी यहाँ पर बंगलो टाइप बने हुए आप देख सकते हो, रू हाउस की तरह सब यहाँ पर गली में इस तरह से सभी के मतलब अच्छे अच्छे बने हुए हैं रूम, देख सकते हो आप। और यहाँ पर हम सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, हमारी अम्मी ने बहन ने फटाफट से खाना भी तैयार किया था हमारे आने तक, तो सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे, जितने भी हम आए थे सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे। फिर शाम में हम शादी में मतलब जहाँ पर शादी थी तो वहाँ शादी घर पर गए थे, शादी तो दूसरे दिन थी, वो वाले भी आपको देखने मिलेगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा तो सभी वीडियो आपको देखने मिलेंगे इंशाल्लाह, आप हमारे साथ बने रहिए, जैसे भी वक्त मिलेगा वीडियो अपलोड होते रहेंगे फ्रेंड्स, बस आपके प्यार की आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख लीजिए नमकीन गोश्त भी था, और ये अचार है, और ये यहाँ पर रोटी है गर्मा गर्म, राइस गर्मा गर्म थे, और ये गोश्त का सालन है,
प्याज थी आप देख सकते हो, सभी ने इतना इंजॉय किया, इतने अच्छे से खाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे अब्बा की यहाँ पर बहुत इज़्ज़त और बहुत खातिरदारी होती है, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स प्यार से। तो मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से जज़ाकअल्लाह, अल्लाह।